आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क फलस्तीन के एक शहर बैतलहम यहूदिया के शहर में गुलाम यीशु मसीह ने जन्म लिया और तमाम दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी ईमान के साथ, मजहब के साथ उनका ताल्लुक हो, किसी ना किसी तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। आए खुदावंद खुदा, खुदा के पाक बर्रे, मैं तेरा खादिम मिन्नत करता हूं और दुआ करता हूं अपने लिए और अपनी जमात के लिए कि तेरा पाक रूह गहरे तौर पर है कि कोई छुए। और आए खुदावंद खुदा, हमारे वारा बढ़ते ख्याल को यकजा कर, हम महज या बैठे हुए ना हूं, अरे खुदावंद खुदा, हम महज यहां पर बैठे हुए ना हो, बल्कि हम पूरी तवज्जो के साथ आपके कलाम को सुनने वाले हों। अरे खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं शुरू से लेकर इस वक्त तक की सारी प्रस्तुति के लिए, सारी इबादत के लिए। अरे खुदावंद खुदा, दिल की गहराइयों से आपको सजदा जाते हैं और दुआ करते हैं कि आज शाम कोई जिंदगी यहां से खाली ना जाए, तेरे लोग तेरे कलाम के वसीला से शेर और सुधा होकर जाएं। मैं नहीं, आए तो तेरा पाक रूह हमारे साथ, हम कलाम ये सब कुछ आपके नाम से मांगते और पा रहे हैं, आमीन। अब सब सुनने के लिए तैयार हैं और मुझे ये भी इल्म हो जाता है कि मेरी जमात मेरे साथ है या नहीं, और वो सुन रहे हैं कि नहीं, या बोर हो रहे हैं। और जब आप बोर होना शुरू करेंगे तो मैं कलाम को बंद कर दूंगा, आप पूरी तवज्जो के साथ कलाम को सुने। और कलाम वैसे बोर नहीं रहता, और कलाम अपने अंदर जिंदगी रखता है, और वो जिंदगी जब बख्श कलाम जो जब मरमूजों में आता है तो हमें तब्दील करता है। ये कलाम की खूबी है। यहाँ पर एक सवाल मजूसियों ने आके पूछा था, वो सवाल क्या था, जब हेरोदेस बादशाह से उन्होंने सवाल किया तो क्या सवाल किया गया, यहूदियों का बादशाह, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। He was not able to answer that। इतनी बड़ी सीट पर बैठा हुआ है लेकिन उसे इल्म नहीं है। उनके शहर में कलाम में खुदा मुजस्सम हुआ लेकिन उन्हें कानों कान खबर नहीं। और जब मजूसियों ने यह सवाल किया तो वो घबरा गया, परेशान हुआ, तअज्जुब किया, और ये मलाकी नबी के पेशनगोई का जवाब है कि जब उसका जहूर होगा तो कौन ठहर सकेगा। अब हम यहां पर देखते हैं ये मजूसियों का सफर कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ। जब उन्होंने ये सवाल किया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, जब बादशाह के घर में, बादशाह के घर में कोई पैदा होता है तो क्या वो पैदाइशी बादशाह होता है या वली अहद होता है या शहजादा होता है। शहजादा। और इसको मजूसी कह रही है, ना तो शहजादा ना वली अहद कहा, बल्कि डायरेक्ट ये सवाल किया कि
यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? हालेलुया। हमारा यीशु जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं वो पदायशी बादशाह है, वो पदायशी बादशाह है। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? वो परेशान हो गए। ये मसला उस वक्त का नहीं, ये मसला आज का भी है। लोग हमसे पूछते हैं खुदा यीशु मसीह के बारे में, कब जवाब नहीं दे पाते। पहला पत्र जो पिछली दफा मेरा मैसेज था, हमारा सेमिनार था कि इस बाइबल अल्टर्ड, उसके बारे में मैंने बहुत तसल्ली बख्शी स्टडी थी। तो पत्रस ये बयान करता है कि जब कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद के बारे में पूछे तो तुम्हें पूरा पूरा जवाब देना आना चाहिए। मसला ये है कि हम बाइबल की स्टडी नहीं करते, हम कलाम को पढ़ते नहीं। अगर पढ़ते हैं तो जगाली नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, खुले जहन से कलाम को नहीं पढ़ते। कलाम में मुकद्दस अपनी खुद तफसीर है। अगर आपके जहन में कोई उलझन है, अगर कोई सवाल है, आप किसी से सेटिस्फाई नहीं हो सके कि आपके सवाल का किसी ने जवाब दिया है, तो बाइबल को कंसल्ट करें, बाइबल को पढ़ें, आपको ये जवाब देंगे। मेरे कई सवालों का जो प्रोफेसर या बड़े बड़े लोग थियोलॉजी नहीं दे सके, इस बाइबल से मुझे जवाब मिले। मैं काफी ऐसा परेशान रहा कि ये घर कहां पर है। वो तो सराय में था, खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ, और वो कहते हैं कि घर में जाके सजदा किया। तो मैं बड़ी उलझन में रहा। खोजी का लफ्ज आपने सुना है, खोजी जब कोई आता है तो वो खोज निकालता है। तो मैं कलामे मुकद्दस का खोजी हूं। कोई सवाल होता है जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि या डाल देता हूं, मेरी कोशिश होती है मुझे आता है तो मैं जवाब देता हूं, नहीं तो मैं उसको जो है कहता हूं कि मैं स्टडी करके आप मुझे किसी से अपने से बड़े से पूछ के आपको बताऊंगा। अक्सर जब किसी को सवाल किया जाता है पास्टर साहबान से, ले बहन से, खादमों से, उन्होंने जवाब दिया था, वो लोगों का मुंह बंद करा देते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि किसी ने पास्टर हिजकिएल सरोज से ये सवाल पूछा कि हवा का और उसके बच्चों का जो है नाम क्या थे और वो कहाँ पैदा हुए सारे। तो उन्होंने उसके पूछा कि भाई उन्हें और उनका जो है शनाती कार्ड बनवाना है उनके बच्चों का। तो बात ये है कि सवाल बाइबल के अंदर हर चीज का इलम पाया जाता है। तो अब हम वापस आ जाएं कि ये कहां से आए। लिखा है कलाम हमें बताता है कि ये पूरब से आए, मशरक से आए और बड़ा लंबा सफर तय करके आए। और लिखा है कि उसका सारा देकर हम आए हैं, क्योंकि ये ईसाओ की नस्ल से पुराना अहदनामा उन्होंने पढ़ा हुआ था और उन्हें इलम था। इस क्वेश्चन को जानते थे हिंदी 24 बाग की 17वीं आयत को कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा। क्योंकि मैंने ये बताया कि जो फिलासफर थे जिन्हें नजूब को अच्छी तरह जानते थे, सितारों का इलम जानते थे और सितारों के बारे में जानते थे कि ये सितारा जो है इसका क्या मतलब है, तो वो फौरन समझ गए कि ये सितारा जिस नबी का के बारे में हम सोच रहे हैं ये उसी का होगा। अब सवाल मैं बताना चाहता हूं आपके, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। अहले मशरक के जो लोग थे ये बुत परस्त थे, गैर कौम थे, बुतों को मानते थे और शगुन और जादू ये सारी चीजें वो करते थे, और वो भी सोचते थे कि कोई एक बादशाह पैदा होने वाला है। और उनको पुराने अहदनामे की पेशगोई भी याद थी। जब उन्होंने सितारा देखा तो उन्होंने पूरा यकीन कर लिया कि ये उसका सितारा है, उसका यानी यहूदियों का बादशाह।
ना तो यहूदियों का बादशाह, बल्कि मेरा और आप और हम सब का और पूरी दुनिया का बादशाह है। वो मेरा और आपका बादशाह है, वो जिंदा है, वो की कब्र खाली है, वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वो मौजूदा का खुदा है, वो नामुमकिन का खुदा है। जहां उम्मीद नहीं है वहां पर उम्मीद पैदा करता है। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहां है? आज दुनिया हमसे पूछती है, हमें बता दें, हम हवाले खोल के पढ़ के बताने बताते लोग को यकीन नहीं आता। आप कैसे लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं? मसीह कहां है? खुदा यीशु मसीह कहां है? उसका एड्रेस क्या है? आप जानते हैं कि किस पते पे वो मिलेगा? अगर उसका पता जानना चाहते हैं, एड्रेस मालूम करना चाहते हैं, तो वाला नोट कर लीजिए, पहला करतियों 3 बाब उसकी सोच भी है। क्या तुम नहीं जानते? बड़े तजुब के साथ दास का बंदा पालूस कहता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते भाई? क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदस का क्या हो? मकदस हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदस का मकदस हो? और खुदा तुम में रहता है, और जो इस मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। तो पता चल गया भाई, अगर कोई पूछे कि यीशु का पता क्या है, एड्रेस क्या है, हम उससे मिलना चाहते हैं, तो यीशु का पता क्या बताओगे भाई? अपनी जिंदगी। यीशु मेरे अंदर रहता है। अरे भाई आपके करतूत क्या है? कहीं तेरे करतूत तो ये है, यीशु तेरे, यीशु बादशाह तेरे अंदर कहाँ रहता है? समझ के बात करें, हम अपने करतूतों को सही करें, अपने वृक्षों को दुरुस्त करें, अपने ईमान को दुरुस्त करें, हम उन्हें बताएं कि यीशु मेरे अंदर रहता है, और फिर काम या कलाम ये 2 बातें हुआ करती हैं। इनसे हमने साबित करना है, कलाम से और काम से अमल। यानी अगर मैं बाइबल जो है आपके सामने इस दरवानगी के साथ हवाला जात ये का दौर, लोग कहेंगे मतलब तेरी जिंदगी तो ये है, जब प्रपट में होता कुछ और होता, बाद में कुछ कोई और होता है। और ये वजह है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं मसीह से मुतनफर हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी वो नहीं है। एक वक्त था, बड़ी जबरदस्त मैं बात कह रहा हूं, एक वक्त था कि गैर कौमें हमें अपने हमारे किरदार से बचाना करती थी, लेकिन आज कल जो है जायदाद और दूसरी तरीकों से बचाना जाता है। एक वक्त ये मसीह हैं को आंखें बंद करके जाते हैं, आंखें बंद करके जो है इसको नौकरी पे रख रहे, आंखें बंद करके जो है इसको जो है फ्लैट दे दे, आप इसको इसको जो है अपने टैलेंट बना ले और इसको जो किराए का मकान दे दे। एक वक्त था कि मसीह लोग जो है अपने किरदार से बचाने जाते। अगर कोई पूछे भाई तो यीशु कहां रहता है, तो क्या पता बताएंगे? क्या आप श्योर हैं? क्या आपको यकीन है कि यीशु आपके अंदर रहता है? अगर यीशु आपके अंदर रहता है तो आप करतूत क्या है? यीशु पाक है और पाक दिलों में रहता है। उनको सराय में जगह ना मिली, लुका 2:7, सराय में जगह क्यों ना मिली? वजह यही तो मैं बात कर रहा हूं, सराय में जगह ना मिलने की वजह यह नहीं थी कि उनको किसी से दुश्मनी थी। सराय जब हजरत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम आए नाम लिखवाने के लिए, तो सराय पहले से पुरती किसी जाती दुश्मनी की बिना पे उन्हें जगह नहीं मिली। जब यीशु हमारे पास आता है तो उसको हमारी सराय में जगह नहीं मिली, क्योंकि सराय क्या है? पहले से पुर है, पहले से पूर है। तो जरूरत है इसकी बात लिखा कि अंदर की चीजों को क्या कर दो, खराब कर दो।
जब हम खैर कर देंगे तो यीशु पास या हमारी जिंदगी में आएगा। जब यीशु किसी की जिंदगी में होता है ना, तो नजर आता है, फिर जो है इश्तिहार देने की जरूरत नहीं है। कलाम करता दरखत अपने फलों से बचाना जाएगा। सामरी औरत को चौथे बाब में जूना की में पढ़ लें, उसकी जिंदगी काबिलिस्ताज नहीं थी। जब यीशु उससे मिला कुएं पर और यीशु ने पहचान लिया, और ये सारी कहानी को आप जानते हैं, खुदावन ने वैनिलिज्म का आगाज किया। खुदा एक रूह के लिए भी जो है पीछा करता है, इसलिए वो कहता है कि सामरिया में सुख जाना दूर है, उसे रूहों की फिक्र है, रूहें बचाना चाहता है। तो उसने सिलसिला गुफ्तगू का आगाज किया कि मुझे पानी मिला, और वो आगे कहती है तू यहूदी होकर पानी मुझसे क्यों मांगता है। ये सारी कहानी आप जानते हैं। बात मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब यीशु आ जाता है जिंदगी में नजर आता है, पहले कोई उससे मिलना नहीं चाहता। वो अगर आप तो बाइबल के शिगिर्द हैं तो वो ऐसे वक्त में आई नामे घंटे के करीब, क्योंकि उस वक्त का टाइम 12 बजे का वक्त है, और 12 बजे कोई पानी भरने नहीं जाता। ठंडे ठंडे औरतें जल्द जाके पानी भरती हैं। ये केली आई है, छुप छुपा के आई कि लोग देखना नहीं, लोग उससे मिलना नहीं चाहते। और जब खुदावन ने उससे बात की, उसका दिल नरम हो गया, और उसने कहा कि जा अपने शोहर को बुला के ला। तो उसने कहा कि मैं क्या हूं, बेशोहर। तो खुदावन ने कहा कि तूने ठीक कहा, जो पहले 5 तू कर चुकी है वो भी तेरे नहीं है, और छठे के बाद जिसके पास हुए वो भी तेरा नहीं है। अब उसकी जिंदगी के अंदर एक इंकलाब आ गया, वो हिल गई। कहती है मुझे लगता है कि तू नबी है, तूने मेरे दिल का हाल मुझ पर अयां कर दिया। भागी भी जाती है और पूरे शहर में इंकलाब ले आती है। मैं इसको कहता हूं वन डे मिनिस्ट्री, वन डे मिनिस्ट्री। कोई उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है, काबिले सराज नहीं है, दुनिया उसे बुरी निगाह से देखती है, और जब वो शहर में गई है तो आज लोग उसकी बात सुनने के लिए क्यों तैयार हो गए। पहले कोई मिलना नहीं चाहता उसे, अब सारा शहर उसके पीछे लगा हुआ है। भाई क्यों, बात समझ में आ रही? पहले लोग पत्थर मारते उसको, पहले उसे बुरी निगाह से देखते हैं, कोई उससे बात करना नहीं करता। अकेली कुएं पानी लेने के लिए आई है, छुप छुपा के आई, लोग देखना ले, कोई उससे बात करना नहीं चाहता। तो आज लोग उसके पीछे लग रहे हैं, इतना बड़ा इंकलाब। हाँ जी, जब यीशु आता है ना तो इंकलाब ही होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जब यीशु की जीवन में आता है तो उसका जीवन में एक रूहानी और जिस्मानी इंकलाब आ जाता है। आज सारी दुनिया उसकी बात सुन रही है, क्योंकि यीशु उसके अंदर है। अब यीशु उसके अंदर है, जब यीशु आता है तो फिर ऐसे ही फौक और फितरत काम होते हैं, और उसकी जिंदगी में एक रूहानी इंकलाब आ गया, तब्दील हो गई, और सारा शहर उसको कहते हैं कि आओ मैं उस शख्स के बारे में बताऊं जिसने मेरे अंदर की सारी बातें बता दी। वो तब्दील हो गई, और इस एक औरत वजह से सारा सामरिया शहर बदल गया। तो ये बात मैं करना चाहता था कि जब बादशाह दुनिया में आया, उसके दुनिया में आने का मकसद यह है, यही था कि वो जमीन को जो आसमान, सहरा को फरदौस, और गुनहगारों को फरिश्ते बनाने के लिए इस दुनिया में आया। वो हमारे अंदर आना चाहता, हमारी सराय पहले से पूरे है। हम कहते हैं हमारी कोशिश नहीं है, जब भी आता फिर भी उसको मौका नहीं मिलता। तो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का मकसद ये है कि जगह बनाना, जगह बनाना। अगर तू पूछे या पहली डेफिनेशन सुनी आपने कि बड़े दिल का मफहूम क्या है, जगह बनाना, उसके लिए जगह नहीं ना। तो हम अपने अपनी चरनी में जगह बनाएंगे, अपने अपनी सराय में जगह बनाएंगे।
अपने अपने घर में उसके लिए जगह बनाए जहां हमें प्रस्तुत करनी है। तो ने आगे पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, वो कहाँ से चले, वो पूरब से चले। और जब वो आए तो वहां पर उन्होंने ये सोचा कि वहां जब वो चले थे तो सतारा उनकी रहनमाई कर रहा था और वो पैदल हम आके रोक गए। और फिर वो डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, हेरोदीस बादशाह के पास जाते हैं। एक सवाल पैदा होता है कन्फ्यूजन, क्या बच्चा उस वक्त बैतलहम में था? क्यों भाई बोलिए, जवाब दीजिए। जो भी आता है हाँ गलत जो है यस नो, क्या बच्चा उस वक्त वहां था बैतलहम में? नहीं। क्यों नहीं था? कहां था, कितनी उम्र की बच्चे की? जब मजूसी वहां पर पहुंचे तो बच्चा वहां नहीं था। अगर बच्चा वहां नहीं है, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, तो फिर सारा वहां क्यों लेके गया अगर बच्चा नहीं है? अगर बच्चा वहां नहीं है और सारा क्यों बैतलहम में लेके गया, यरूशलेम में क्यों लेकर गया? इसका जवाब यह है कि अगर यरूशलेम में सारा की रहनुमाई ना करता तो पुराने ऐतनामे की एक पेशन हुई अधूरी रह जाती। राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं कर रही। तो अगर सारा वहां ना जाता तो बादशाह को पता ना चलता, बादशाह को पता ना चलता तो फिर बादशाह दो दो साल के बच्चों को कत्ल का हुक्म ना देता। अगर कत्ल का हुक्म ना देता तो पुराने आदमी की पेशन कोई अधूरी रह जाती। तो फिर हम पतरस के साथ ये ना कह पाते कि हमारे पास नबियों का क्या है, मौत पर कलाम है जो सालों साल पहले हजारों साल पेशन मुहैया की गई वक्त पर पूरी। तो ये सारे की पहली मंजिल है, सारे की दो मंजिलें हैं। तो पहली मंजिल हम देखते हैं यरूशलेम की है, वहां पर ले गया है। अब बादशाह जो है रियाकारी करता है, ये बड़ा आम गुनाह हमारी पीढ़ियों में हमारी दुनिया में रियाकारी। हम जो कुछ नहीं है ना वो बनना चाहते हैं। दूसरे रियाकारी से कहा कि तुम जाओ, जब तुम्हें मिल जाए तो फिर मुझे भी आके बताना ताकि मैं भी उसे क्या करूं, सही क्या करूं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि तू जमीन का बादशाह है, ऊपर बादशाह बैठा जो दिलों के फेर जानता है। और जब वो वहां पर गए, अब यहां पर मैंने ये कहा कि कलाम को हम खुले जहन से पढ़ा करें। बादशाह ये भी कर सकता था क्योंकि उसके दिल में तो पहले ही आग जल रही थी, उस बादशाह को कत्ल करना चाहता हूँ, अपने दिल में सोच रहा मैं बादशाह हूँ तो बादशाह को तो बादशाह के घर में पैदा होना चाहिए। ये कौन सा बादशाह पैदा हो गया, वो परेशान है, हिल गया है, उसकी सल्तनत हिल गया है, वो परेशान है कि ये कैसा बादशाह है और कौन सा बादशाह दुनिया में आ सकता है। अगर कोई बादशाह हो तो मेरे घर में उसको होना चाहिए था, अगर मेरे घर में नहीं है तो मेरा वो कहाँ कहाँ पैदा हुआ है। वो अपने और गार्ड्स को अपने साथ उनके साथ भेज सकता था कि जाओ पता करो ये मेरे मुल्क के अंदर ये ऐसी बड़ी बात हो गई है। अकल पे खुदा ने पर्दा डाल दिया, कोई फौज उसके साथ नहीं भेजी। अगर फौज भेजे तो शायद पता नहीं कुछ और होता। समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं। और उसके बाद बचाए के सारा उनको जो है वहां पर लेक बैतलहम में लेके जाता, तो बैतलहम में जाने की बजाय सारा उनको कहां ले गया भाई, कहां ले गया? वादे जोर से बोलिए, कहां ले गया? गलील के शहर नासरत को ले गया। पढ़िया वाला निकाले कर बाहर बताओ, आपके पास बहुत बड़ा मकाशफा है। लुका 2:39 है, दूसरी मंजिल शुरू होती है यरूशलेम से। और जब वो खुदामन की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। क्या
क्या लिखा है गौर से सुनिए, तवज्जो चाहिए। जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए, तो मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ का घर गलील के शहर नासरत में था, तो वहां चले गए। क्या लिखा है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो यरूशलेम में बैतलहम में कितना अरसा रहे। क्यों भाई जवाब दीजिए, इस हवाले से आपको पता होना चाहिए अगर आप बाइबल के शागिर्द हैं, तो जो मैं सवाल कर रहा हूं आपको इल्म होना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूं कि मसीह यीशु जब पैदा हुआ तो मुकद्दसा मरियम और हजरत यूसुफ जो है बैतलहम में कितने देर तक, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन वहां पर रहे, मुझे मालूम है कि आप लोगों को नहीं आता। तो वहां पर वो 40 दिन तक रहे। तो आप पूछेंगे कि ब्रदर आप साबित करें, हवाला बताएं हमें कि कैसे आप जब 40 दिन का नया काज का बता रहे हैं हमें कितने कैसे रहा। मेरा मजमून जब लीडरों में छपा तो लोग वहां टेलीफोन में जाकर, ब्रदर एक नई बात आप सिखा रहे हैं, मैं नई सिखा ही रहा, आपको कलाम नहीं पढ़ते तो एक अलग बात है, मैंने तो हवाला भी दिया, वो हवाला खोल और पढ़े उसमें क्या लिखा हुआ है। तो कैसे मैंने बता रहा हूँ 40 दिन बाहर रहे, हवाला जो नोट कर रहे हैं बार 12 बाब उसकी जो है 1-4 आयत तक, एबार पहला 22 का 12 बाब, इबार 12 बाब 1-4 आयत तक। वहां शरीयत ये कहती है, मैंने लिखा कि शरीयत के मुताबिक जब बच्चा पैदा होता था तो शरीयत फर्क थी, और जब बेटी पैदा होती थी तो शरीयत फर्क थी। तो अब जब बच्चा पैदा होता था 33 दिन तक औरत तहारत के खून में रहती थी, और 7 दिन के बाद जो है वो गुसल करती और हैकल में जाती, तो उसके बाद वो पाक होती। तो शरीयत के मुताबिक जब वो सब कुछ कर चुके तो वो गलील के शहर नासरत को फिरते। तो 40 दिन के बाद ही हम ये देखते हैं कि वो वहां से वो गलील के शहर नासरत को चले। मैं बहुत बड़े फादर की कमेंट्री पढ़ रहा था, तो वो अभी भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अभी भी कहता है कि वो वहां बैतलहम नहीं आए। तो ये तो कलाम है किसी का, आम आदमी में खुदा रास खोल देता है, भेद खोल देता है। तो वहां पर वो 40 दिन तक रहे, 40 दिन रहने के बाद वो गलील के शहर नासरत को चले। अब सवाल ये पैदा होता है कि गलील का शहर नासरत या यरूशलेम से कितने फासले पर है, 70 मील। क्यों भाई 70 मील या 110 किलोमीटर। तो सतारा जो है उन्हें 110 किलोमीटर आउट ऑफ दी वे ले गया। जब सारे का मकसद पूरा हो गया तो फिर वो अपनी दूसरी मंजिल जो सही रास्ता था उस रास्ते पर गया, और उस घर में जाकर सतारा रुक गया और उस बच्चे को मुकद्दसा मरियम के पास बैठे थे देखा, और वहां उसने क्या किया, सजदा। तो बातें तो बहुत सारी हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। तो अब हम देखते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी हो चुकी है उस वक्त तक, 2 साल, 1.5 से 2 साल। क्योंकि कैसे पता चलता है, आगे आप पढ़ कर देखिए 16-17-18 आदमी मत्ती 2 बार में लिखा है कि जब बादशाह ने तहकीक की बच्चा कब आपको नजर आता है, कब पता चला सारा नजर आया, उसने तहकीक ही बताया। उस तहकीक के मुताबिक उसने 1.5 से 2 साल के बच्चों को क्या कर दिया, क्यों 2 हजार के मुताबिक यीशु की उम्र कितनी हो चुकी थी, 2 साल, 1 साल नहीं 2 साल हो चुकी। तो 2 साल के बच्चों को जो है कत्ल करवा दिया, और बादशाह इंतजार कर रहा है कि वो अभी तक वापस नहीं है। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। बहुत सारे लोग इस तशरीह को जो है एक और डेफिनेशन से कंडेम करते हैं, वो बिब्लिकल नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मजूसी थे उन्होंने 2 साल पहले ही सफर का आगाज कर लिया था, और
جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت عین مسیح کی پیدائش ہوئی تھی اور انہوں نے چرنی ہی میں نظرانے دی. لیکن یہ بائبل کی تشریح نہیں ہے, یہ لوگوں کے ذہنی تشریح ہے. تو لہذا آج تک میں اور آپ جب اس بات کو سمجھ گئے, اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے جب آپ کوئی نیکی کرنا جانتا نہیں کرتا تو کیا ہے, تو میں اور آپ آج تک ہمارے چرچز کے اندر جو ٹیبلو پیش کیے جاتے ہیں, دوسری جو آپ لے کے آتے ہیں اپنے نذرانے, وہاں پر کبھی پیش کرتے ہیں. یہ بالکل رام پریکٹس ہے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. جن کو نہیں پتا ان کو بتانا چاہیے اپنے خادموں کو کہ جرنی کے اندر نہیں بلکہ گلیل کے شہر ناصرت میں مسیح یسوع کو نذرانے پیش کیے گئے. تو کلام مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں آگے بڑھوں. تو اب تھینک یو بھائی. تو یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھائی نے کہا کہ آپ برادر بات کریں تو ایک کوٹ مجھے ملا, تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جب وہاں پر انہوں نے سجدہ کر لیا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتا چل گیا. جب میں سوال کروں تو خود بھی سوچے وہ جواب, اس کے سوال کا جواب سوچنا شروع کر دیا گیا. انہیں کیسے علم ہو گیا کہ جس بادشاہ کی ہم تلاش میں نکلا یہی ہے. وہ کیسے پتا چل گیا کہ یہی بادشاہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے, کیونکہ سارے نے اس کو اس جگہ پر لے گئے, ان کو علم نہیں تھا. تو آج ایسے ستاروں کی ہماری کلیسیوں میں بہت کمی ہے. سمجھ میں آ رہی بات, لوگ غلط راہ پہ ڈالتے ہیں. یہ بجلی تعلیم ہے, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں کرنا, جلد عبادت میں نہیں جانا, ایسا نہیں کرنا, یا فلاں جگہ نہیں جانا. غلط راہ پہ ڈالے کہ صحیح راستے کی طرف نہیں جانے دے گا. تو اب ایک اور پتے کی بات میں بتانے لگا ہوں. جب انہوں نے سجدہ کیا, سونا مور اور لبان, یہ نذرانے کی میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ان کے کیا مفہوم ہیں. لیکن جو خاص پتے کی بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, جب انہوں نے سجدہ کیا تو کچھ ہوا. اب وہ میں بتاؤں گا کیا ہوا. جب پہلا آدمی جو ہے بادشاہ گیا, فلاسفر گیا, دوسری گیا, وائس مین جب کہتے ہیں, وہ اس نے سونا پیش کیا تو کیا لکھا, جھک کر سجدہ کر کے سجدہ کیا اور اپنا نذرانہ پیش کیا. تو جیسے ہی وہ جھکا, یسوع بادشاہ کو سجدہ کیا, تو دین سم تھنگ ہیپن ان ہز لائف. اینڈ واٹ واز دیٹ؟ اور دوسرے نے جب سجدہ کیا تو ویسے ہی ہوا جیسا پہلے کے ساتھ ہوا تھا. جب تیسرے نے اپنا نذرانہ پیش کیا لبان, تو اس کی زندگی میں بھی وہی کچھ ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا تھا. پہلے کو لفظی بادشاہ کہا ہم نے, لیکن جب سجدہ کر لیا تو سجدہ کرنے کے واقعہ ہی ان کا حقیقی بادشاہ بن. تو انہوں نے جب سجدہ کر لیا تو ایک وعدہ کیا, ایک عہد کیا, ایک پرامس کیا. اس کو یاد ہے ان تینوں نے وہاں پر کیا پرامس کیا تھا؟ انہوں نے یہ پرامس کیا, یہ جو تین چیزیں میں نے بتائی, میں نے بتایا اہل مشرق سے وہ لوگ آئے تھے. حوالہ نوٹ کر لیں جو میں بات کر رہا ہوں. میں کوئی بات ایسی پریچنگ نہیں کرتا جس کو بائبل سپورٹ نہ کرے. تو یہ لوگ جو تھے میں نے بتایا زرتشت تھے اور علم نجوم کے ماہر تھے اور جادو ٹونا اور یہ ساری چیزیں جادو وغیرہ میں کرتے تھے. اور یہ حوالہ جو میں نے بتایا کہ جو اہل مشرق کے لوگ تھے وہ شگون نکالا کرتے تھے اور اس کے اندر یہ چیزیں جو تھیں یہ خوشبوئیں جلایا کرتے تھے. آج بھی آپ مزاروں پہ چلے جائیں تو یہ خوشبوئیں جلتی ہوئی نظر آئیں. تو جب انہوں نے یہ چیزیں جو پہلے جادو منتر میں وہ استعمال کیا کرتے تھے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے,
कि इसकी राहत अंगेज खुशबू लें और कोई बात उन्हें बता दें, उनका कोई मसला हल हो जाए। तो आज पीरों पीरों के पास लोग जाते हैं, मसले हल करवाने जाते हैं, मसले बना के ले जाते हैं। पहले एक बुजुर्ग होती है, फिर दस बुजुर्ग साथ आ जाती है। तो लिहाजा जब उन्होंने सजदा कर लिया तो उन्होंने ये कहा कि आज से हम ये अहद करते हैं कि ये चीजें जो कि हमारे जादू मंत्र में हम इस्तेमाल किया करते थे, ये खुशबुएं जो इस्तेमाल किया करते थे अपनी देवी देवताओं को खुश करने के लिए, आज के बाद हम आज हम क्या करते हैं, तौबा करते हैं। हालेलुया, इन चीजों को हम खत्म कर देते हैं, इन चीजों को खत्म कर देते हैं। एक जबरदस्त बात, ये लोग मजूसी थे, ये सितारों की परस्तिश किया करते थे, सितारा भी उनका एक देवता था। हालेलुया, प्रेज गॉड, ये भी उनका एक देवता था। अरे भाई, बड़ी पते की बात है और लोगों को भी जाके बताना। तो ये उनका देवता जिसकी वो प्रस्तुति करते थे, तो वो देवता खुद चक पड़ा कि मैं तो देवता हूं, मैं तो वो देवता नहीं हूं, मैं तो हकीकी देवता की तक आप लोगों को ले जाने वाला क्या हूं, एक राह हूं, एक रास्ता हूं। हालेलुया, ये उनका देवता था। और वो देवता खुद चक के आता है कि मैं तो कुछ हकीकत नहीं रखता, ये देवता ये मामू जो दुनिया में पैदा हुआ है ये सच्चा मामू सच्चा खुदा है। आज के बाद मेरी प्रस्तुति नहीं करना। अगर कोई देवी देवताओं के पास जाता है, कब्रों को मानता है, तो हम उनको बंद कर दें। आज यीशु बादशाह के पास आए, वो तमाम बहरानों का हल है। आपके हर मसले का हल यीशु के पास है, आपकी हर परेशानी का हल यीशु बादशाह के पास है। जो उसको ढूंढते हैं, यशायाह 55 वो उसको क्या करते हैं, पा लेते हैं। जो सुनोगे और नॉमिनेट क्रिश्चियन है, ठीक है, बस काम चलता है। हम बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल पढ़ना शुरू करें, आगे बढ़े और तरक्की करें। टाइम काफी हो गया है, मैं यहीं पर बंद करता हूँ। और अगर कोई आपकी मिशन की नहीं बुझी, तो आप इसके अंदर बहुत कुछ और बातें भी हैं जो मेरे मजमून आजकल आफ्ताब में छप रहे हैं। पहले एक छप चुका है, आज ही मैंने दूसरा भी भेजा, उसका दूसरा पार्ट भेजा है, वो आफ्ताब लेके आप पढ़िए। बहुत सारे लोग उससे मुस्तफीज हो रहे हैं, लोग बताते हैं और उनको बरकत मिलती है। तो आप इसको जो लगातार मेरा सीरियल है आप जरूर उसको पढ़िए। भाई अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अपने दिलों को तैयार करें। तो बयान भाई किसी कमजोरी की हालत में है, तो मैं अपनी जमात के साथ उनके लिए मिलकर दुआ करूंगा। अगर आपके जिस्म में दर्द है, अब मुझसे का वक्त आ गया है। मेरी बहन, मेरे भाई, आप जिंदा खुदा के पास आए, वो आपकी दर्द को, बीमारी को, लाइलाज बीमारी को खत्म करेगा। तो अपने लिए दुआ करें और आने वाले सारे प्रोग्राम्स की दुआ करें। हम इस वक्त बीमारों के लिए, कमजोरों के लिए दुआ करेंगे। अपना सीधा हाथ बीमारी की जगह पर रखें। अरे पाक, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, हमें रत्ती भर भी शक नहीं है, क्योंकि आप इंसान नहीं है कि कुछ कह के बदल जाए। आपने मत्ती के जी उसके 18:18 में कहा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आए खुदावन, मैं तेरा खादम, हाथ बढ़ाकर इन तमाम बहन भाइयों को, अगर वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, वह खुदावन खुदा
میں روح سے معمور ہو کر اعلان کی بیماریوں کو ڈانٹتا ہوں, اعلان کی بیماریوں کو حکم دیتا ہوں, اعلان کی بیماریوں میری آواز کو سنو. تو میں یسوع کے نام سے ڈانٹا حکم دیتا ہوں, گیٹ آؤٹ آف دس باڈی رائٹ ناؤ. یو اسپرٹ آف انوانٹڈ گلینڈ دس اسٹون شوڈ ڈسٹرو دی باڈی نیور جیزس. ہر قسم کا آرتھرائٹس یسوع نام سے جاتا رہے, بیک ایک یسوع نام سے جاتی رہے, گلے کی بیماریاں, تھائرائیڈ پرابلم, ہیپاٹائٹس بی اور سی یسوع نام سے بھاگے. بان جوڑے یسوع نام سے شفا پائے, بان کاروبار یسوع نام سے کھل جائے. میں ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, خدا کا مسا آپ لوگوں کو چھو رہا ہے, بندے ٹوٹ رہے ہیں اور آپ شفا پا رہے ہیں. آئے روح پاک, میرا ایمان ہے کہ ہم نے مانگا اور ہم نے پایا ہے, یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. ایمان بیٹھ گئے اور آخری اتوار لیا اسی چرچ میں ہر جمعے کو 7 بجے عبادت ہوتی ہے, لیکن چونکہ موسم بدل گیا اس لیے مہربانی کر کے 7:45 بجے آئیں تاکہ ہم کچھ وقت پرستش میں گزاریں. اور برادر جاوید اقبال گل کو آپ سب کی دعاؤں کو, دعاؤں کی ضرورت ہے, جیسے پرے واریئر ہوتے ہیں, پرے واریئر جب دعا کرتے ہیں تو جو سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں. یہ 11 تاریخ کو بنگلہ دیش جا رہے ہیں, وہاں بھی تبلیغی پروگرام ہے. مہربانی کر کے آپ اپنے اپنے گھروں میں ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہاں مردے زندہ ہوں, بیمار شفا پائیں, بہت سارے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نجات حاصل کریں. دوسرا, اس کھانے کے بعد اس پروگرام ان کے بعد کھانا ہو کا پروگرام ہے. دوسرا, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے, یہ مسیحی مجلس سجی, تو آپ سب کا آنے کا شکریہ. جن بہن بھائیوں نے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس کوئی سرونٹ نہیں, سب والنٹیئر ہیں. جن بہن بھائیوں نے محنت کی اور کوائر نے جو آپ کے لیے گیت تیار کیے بڑے دن کی, اور ایگزیکٹو کمیٹی نے جو کچھ کیا, اور برادر جاوید کے گھر اور گھرانے میں جو کچھ ہوتا ہے, یہ سب کچھ تیار ہوتا ہے, تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہمیں یہ گھر کم سے کم ملا ہوا ہے, جو تھوڑا پڑ جاتا ہے, اور دعا کریں کہ خدا ہمارے لیے بھی کوئی مستقل کام کرے. میں صرف ایک بات کے بعد دعا بانی پڑھوں. بڑے دن کا میسج ان ون ورڈ. میں اپنی بیٹی کی پی ایچ ڈی کی ڈگری